नमस्कार, मैं हूं कशिश। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम और हरियाणा में लगातार स्कूल प्रधानाचार्य और स्कूल प्रशासन पर बनाए जा रहे दबाव को लेकर आज गुरुग्राम के जिला उपायुक्त से गुरुग्राम के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट के लोग मिले, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार स्कूलों में हो रही चेकिंग को लेकर सभी स्कूल प्रशासन परेशान हो चुका है। यमुनानगर में हुए अध्यापक हत्याकांड के बाद सभी स्कूलों के अध्यापक दहशत में नजर आ रहे हैं। अध्यापकों पर हो रहे हमले जैसी वारदात से बचने के लिए अपने लिए सख्त सिक्योरिटी की मांग कर गुरुग्राम के अध्यापक नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ प्रद्युमन हत्याकांड के बाद अपनाया गया जिला प्रशासन का सख्त रवैया स्कूल प्रशासन से हजम नहीं हो रहा है। थोड़ी सी अनरेस्ट है सब स्कूलों के मन में कि जो सिचुएशन आ गई है, एक तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, जो कि हमारा भी प्राइम कंसर्न है, लेकिन कहीं पर ऐसा लग रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की ही है। जैसे घर में अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, गाइड गार्जियंस हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ स्कूल को ही करना है। तो कहीं पर एक थोड़ा सा अकेलापन और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा फोकस हम पे ही आ गया है। हालांकि हर तरह की लर्निंग हम करवाते हैं बच्चों को, अच्छी बातें सिखाते हैं, उनको करेक्ट बिहेवियर सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्कूल से बाहर भी होती हैं। तो सारे दारो मदार स्कूल पे क्यों आ रहा है, उसका एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा है। ये ऐसे है कि हमारे स्कूलों के में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और पर्टिकुलरली द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ टीचर्स। अभी यमुनानगर में एक टीचर को एक बच्चे ने शूट कर दिया। इससे पहले एक पेरेंट ने यहाँ पे रोटरी पब्लिक स्कूल की एक जो स्टाफ थी मेंबर, उसके हस्बैंड को घर में जाके मारा और उसका उसकी डेथ हो गई। इस तरह के इशू जब होते हैं स्कूल के खिलाफ, स्कूल स्टाफ के खिलाफ हरासमेंट के, जब देखो तब बोलते हैं जी FIR की जाएगी, मैनेजमेंट को या प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाएगा। इस तरह के इशूज बार बार हो रहे थे, जबकि गुनाहगार कोई और होता है और जो फैसले होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो बड़ी देर के बाद होते हैं, और उससे पहले पूरा मीडिया या सब लोग मिलकर के स्कूल को दोषी ठहरा देते हैं।